में केबल जो हमने प्रीपेयर करना है वो हमने 2 मीटर हमने रखना होता है। 2 मीटर तकरीबन ये साढ़े साढ़े 6 फुट तकरीबन बन जाता है। तो उसके लिए हम लोग ये मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं, यानी हमने जो केबल होता है वो 6.5 फुट जो है, यानी 2 मीटर केबल जो है वो हमने मेजर करना होता है, जो केबल को हमने प्रीपेयर करना है। तो जस्ट यहाँ पे फिलहाल हम एक अपना सैंपल जो है ना वो केबल का तैयार करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर केबल के वाले से सैंपल हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तैयार करना है। अब ये हमारी हेल्प करेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल को प्रिपेयर करने के हवाले से स्टार्ट से लेके इंशाल्लाह तआला एंड तक। तो हमने जो है ये राउंड शीट कटर यूज करना है जो कि केबल को राउंड में काटेगा, और इसकी इनर शीट और स्टील टेप जो है वो इसकी कटिंग जो है वो इसकी करेगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं राउंड शीट कटर से। तो ये नसीब साहब ये इसकी ना इसको साथ साथ आप जो है इसको आप साथ साथ टाइट करते जाए, जो कि 2 लेयर हमारी कट जाएंगी, आउटर शीट और ये स्टील टेप। अब ये कट गई है आउटर शीट है, इसके बाद हम इसको ठीक है स्टूडेंट्स ये देखिए हमारी ना 2 लेयर्स जो है इसमें आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 2 लेयर्स में आउटर शीट और स्टील टेप जो है वो हमारी कट आउट हो गई है। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा थर्ड स्टेप, उसमें ये इसके ऊपर हमारे पास मॉइस्चर रेजिस्टेंट जेली होती है जो फाइबर को सेफ्टी के लिए यूज करते हैं वो लगी होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल क्लॉथ है और ये केरोसिन ऑयल है मिट्टी का तेल, इसमें हम इसको इसके ऊपर लगा के इसकी जो डस्टिंग है वो इसको साफ करते हैं। ये आपने इतनी मिकदार में लगाना है कि हमारा जो जेली जो है ना बस थोड़ा सा जो है वो इसको बस क्लीन करने के हवाले से इसको 2-3 बार आप ऐसे करें ये हमारी जेली जो है ना बस ये क्लीन हो जाए और हमारा जो टूल है वो प्रॉपर काम करे। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास स्ट्रेट कटर है जो कि इसकी इनर शीट जो है जो थर्ड लेयर है उसको कटिंग वगैरह करने के वाले से यूज होता है। उसमें इसको आप इस तरीके से करें और ये ब्लेड होता है जो कि इसको आप यहाँ से आपने ग्रिप रखना है मजबूती से और इसको स्ट्रेट ये हम इस तरीके से मूव कर देंगे। मूव करने के बाद जो है इसकी जो इनर शीट है हमने इसको उतारना है। ये नसीर साहब अपना मेरा साथ इसके करना है तैयार से। इसमें आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपके जो हाथ है ना ऐसे करते हुए किसी भी सूरत में जख्मी ना हो, इसमें जरा सा भी आप एहतियात नहीं करेंगे तो हाथ जो है वो आपके जख्मी हो सकते हैं। बस ठीक है इस पर से आप ये हमारा इतना जो पोर्शन है इतने पोर्शन को बाकी आप जो है वो ये स्ट्रेट कटर हम लेते हैं इसके थ्रू आप जो इसको प्रैक्टिकली जो वर्क है ये आप बहुत इजी हो गया, आपने बहुत मुतमईन तरीके से करना है ये केबल की जो प्रेपरेशन है, क्योंकि इसमें हमें मेन इसी बात का ख्याल रखना होता है कि जो फाइबर है वो किसी भी सूरत डैमेज ना हो। ये स्टूडेंट देखिए हमने ना ये इनर शीट की कटिंग जो है ना इसकी प्रॉपरली कर ली है। इसमें नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें ये है कि इसमें नायलॉन थ्रेड जो है ये ऊपर अवेलेबल है, इसको आप नायलॉन थ्रेड को इसको प्रॉपरली इसी के पीछे कर लें। अगर ये इस तरीके से ऊपर राउंड होती है नायलॉन थ्रेड जो है तो आप जो है वो इसको इस तरीके से राउंड करके हो। दूसरा ऐसा है कि जो भी आप चीज़ें जो ज़ाया करते हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से साइड पर रखते जाए उसको आम ना फेंकें। ये फाइबर ऑप्टिकल का जितना भी जो 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 मटीरियल होता है जो ज़ाया होता है वो या तो आप जमीन में दफना दें 2-3 फुट करके दफना दें या उसको आप जला दें, क्योंकि वैसे ही आम मटीरियल आम हालत में पड़ा रहे तो ये बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आप इसकी जो लूज ट्यूब हैं उनको आप इसको इस तरीके से पकड़ लें केबल को इस साइड से। तो ये जो लूज ट्यूब हैं इनको हम लोग खोल लेते हैं, लूज ट्यूब्स को इनको हम लोग लूज ट्यूब बोलते हैं। ये मैंने जैसे आपको बताया ये 72 फाइबर्स का हमारा जो है वो केबल है, और इसमें ये जो सेंट्रली पोर्शन है इसको हम लोग सेंट्रल मेम्ब्रेन स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो सेंट्रल मेम्ब्रेन स्ट्रेंथ होता है जैसे हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी है जो सपोर्ट रखती है कि बॉडी बेंड ना हो, इसी तरीके से फाइबर ऑप्टिकल में जो सेंट्रल मेम्ब्रेन स्ट्रेंथ है इसका काम ये होता है कि ये केबल पूरा बेंड ना हो सके। तो ये जो सेंट्रल मेम्ब्रेन स्ट्रेंथ है इसको हमने कुछ हद तक जो है ना इसको क्लास के थ्रू आपने काट देना है एक खास लेंथ से कि ये ज्वाइंट बॉक्स में ना प्रॉपरली सेट हो सके। तो इसको आप इस तरीके से काट लें सेंट्रल मेम्ब्रेन स्ट्रेंथ। नेक्स्ट सबसे मेन जो स्टेप है हमारा जिसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की जरूरत है वो हमारा
ये लूज ट्यूब्स हैं, यानी लूज ट्यूब में से हमने फाइबर को निकालना किस तरीके से है। उसमें इस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए कि एक भी फाइबर हमारा डैमेज ना हो। अगर लूज ट्यूब में से एक फाइबर भी निकालते हुए डैमेज हो जाता है तो उसमें हमने हमें 2 मीटर की जो केबल है वो दोबारा सारी से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का ख्याल करना है। और सबसे पहली जो ट्यूब है वो मैं जो ले रहा हूँ वो मैं इसकी ब्लू कलर की ट्यूब ले रहा हूँ। तो ये मुझे लूज ट्यूब कटर आप दें, ये लूज ट्यूब कटर जो है इसके थ्रू हमने ट्यूब्स को काटना है। तो एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि हमने एंड एंड से स्टार्ट नहीं करना। इसमें लूज ट्यूब जो है वो हमने स्टेप बाय स्टेप इसके 3 राउंड आप दें लूज ट्यूब कटर के, 1, 2 एंड 3 ये हमने राउंड दे दिए। और इसको हमने इस तरीके से करके ये हमारा ये लूज ट्यूब जो है वो सेपरेटली हो गया। तो एक और चीज़ इसमें ख्याल हमें रखना है कि हमने जो ये फाइबर है इसके ऊपर हम आम कपड़ा नहीं इस्तेमाल कर सकते। हमने अल्कोहल टिश्यू स्वैब जो है वो इसके ऊपर साफ करने के वाले से यूज़ करना है, क्योंकि ये फाइबर जो है इसको किसी भी सूरत जो है वो जो जेली लगी होती है उसको हम लोग अल्कोहल टिश्यू स्वैब होता है उससे साफ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा ये हमने नेक्स्ट मजीद कटिंग करने के हवाले से 3 राउंड देने और इसको ये इस तरीके से सेपरेट कर लिया। इसमें इसी चीज़ का हमने ख्याल रखना कि हमारा कोई भी फाइबर जो है वो डैमेज ना हो। तो जैसे आपको मैंने कलर स्कीम उस दिन लिखवाई थी 12 फाइबर्स की, आपको शायद याद हो, उसमें हमने ना पहली जो ट्यूब थी वो ब्लू ली थी, सेकंड नंबर पे हम अब लेते हैं इसकी ऑरेंज कलर की ट्यूब जो है। उसमें भी हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो है वो प्रॉपरली तरीके से 1, 2 एंड 3 ये हमने राउंड लिए और हमने इसको इस तरीके से ये हमने इसको सेपरेट कर लिया। इसकी जो उतरने वाली चीज़ें हैं उनको आपने बहुत एहतियात के साथ जो है वो सेपरेट करते जाना है। इसमें हम कोशिश यही कर रहे हैं स्टूडेंट्स के आपको इस तरीके से फ्रेंडली माहौल में जो है वो ये फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हम लोग काम सिखाएं। और आप जो है वो पाकिस्तान और आउट ऑफ कंट्री जो है हमारे मुल्क का नाम जो है ना वो इंशाल्लाह ताला रोशन करेंगे फाइबर ऑप्टिक्स में। आपने मेहनत से अच्छे तरीके से जो है वो सिस्टम को देखना है चलाना है। इसके बाहर के ममालिक में वो आपका मेन जो चीज़ है वो वे ऑफ वर्किंग देखते हैं कि आप काम किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप ये ट्यूब जो है वो बिल्कुल एंड से स्टार्ट करें तोड़नी, वहाँ से भी प्रॉपरली कट हो ही जाती है और ये उतर जाती है सारी, लेकिन इसमें ना के फाइबर के कटने का खतरा होता है। अब फर्ज करें यहाँ से अगर फाइबर कट जाता है तो ये चल जाता है कि चले ठीक है हमें 2 मीटर है तो एक्स्ट्रा फाइबर हमारे पास अवेलेबल है, हम पीछे से फाइबर पूरे कर लेंगे। लेकिन अगर एंड से हमारा फाइबर टूट जाता है तो आप ये 100% समझ लें कि 2 मीटर जो हमारा पीस है ना वो 2 का 2 मीटर हमारा पीस एक फाइबर टूटने की वजह से वो सारा का सारा जाया हो गया। और कोशिश ये करनी है कि आपने ट्यूब्स का जो साइज है ना जब आप जो आपने करना है उसको आपने सेम रखना है ट्यूब्स का जो साइज है, इस चीज़ की आपने एहतियात करनी। अब नेक्स्ट मैं जो है वो ग्रीन ट्यूब ले रहा हूँ। कुछ केबल्स ऐसी होती हैं जिसमें ना जैसे 12 फाइबर की केबल है उसमें 12 फाइबर की केबल में 3 जो है वो ट्यूब डमी होती हैं उसमें फाइबर नहीं होते हैं। और बाकी जो ट्यूब्स हैं उसमें फाइबर 3 ट्यूब्स हैं उसमें होते हैं। लेकिन ये 96 और 72 फाइबर की जो केबल होती है उसमें तमाम ट्यूब्स में 6 फाइबर 8 फाइबर या 12 फाइबर एक एक ट्यूब में अवेलेबल होते हैं। इसको आप प्रॉपरली जो है वो इस तरीके से ये हमने कटिंग कर ली है 2 ट्यूब्स से। फिर हम नेक्स्ट हम ये ब्राउन लेते हैं और इसको इस तरीके से आपने कटिंग करते हैं। प्रैक्टिकल कोई भी हो आपने बड़े मुतमईन हो गए और प्रॉपर तरीके से उसकी थ्योरेटिकली ट्रेनिंग पढ़कर उसके बाद जो है ना उसको परफॉर्म करना बेहतर होता है ऑप्टिकल फाइबर के हवाले से। ये स्टूडेंट हमारा केबल प्रेपरेशन के हवाले से एंडिंग पोजीशन में है। ये हमने प्रॉपर तरीके से केबल जो है वो आपको प्रीपेयर करके दिखा दी है। जब आप लोग जॉइंट लगाएंगे उसमें हमने पूरी 2 मीटर जो केबल होती है वो हमने पूरी काटनी होती है। ये सैंपल है अभी हम लोग जो तैयार कर रहे हैं इसका सैंपल। कोशिश हमारी इसमें यही है फाइबर ऑप्टिकल के वाले से कि जो स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है जो थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला इसी में जो है वो कवर होती जाती। ये हमने तमाम की तमाम ट्यूब्स आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमने प्रॉपरली जो है वो इसकी कटिंग कर ली है। और ये इसके ऊपर ये मॉइस्चर रेजिस्टेंस जेली लगी होती है। ये मॉइस्चर रेजिस्टेंस जेली जो है ये
सेफ रखती है पानी से केबल को, और जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें जमीन के अंदर उनसे भी इसको सेफ रखती है। तो ये स्टोन्स हमने देखे हैं, इनने प्रॉपरली ये तमाम के तमाम ट्यूब्स जो हैं इसको लूज ट्यूब्स को हमने प्रिपेयर कर लिया, यानी हमने कटिंग कर ली है इसकी ट्यूब्स की। अब ये नेक्स्ट स्टेप जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है उसमें ये है कि हमने जो इसकी स्टार्टिंग जो है स्टार्ट हमने किस तरीके से लेना है, जो नंबरिंग हम लोग किसे कहते हैं। तो अगर दो इसके मेथड है नंबरिंग के हवाले से, एक तो स्टूडेंट मेथड ये है कि अगर आपके सीधे हाथ में केबल है, सीधे हाथ में केबल है तो आपने इसको क्लॉक वाइज जो है वो पढ़ना शुरू करना है। मीन्स के पहले नंबर पे आपने अपने सामने ना ब्लू ट्यूब रखनी है, यानी पहले जो स्टार्टिंग है ना आपकी इनिशियल वो आपकी ब्लू है। तो आपने अगर सीधे हाथ में केबल है तो आप क्लॉक वाइज घूमेंगे, मीन्स कि आप पहले ब्लू है फिर ये ऑरेंज है, फिर इसको उस टाइम घुमाएंगे ये नेक्स्ट हमारा ये ग्रीन है, ये ब्राउन है और स्लेट और फिर वाइट आता है। यानी आपने इस तरीके से घुमाते जाना अगर आप सीधे हाथ में केबल है। लेकिन अगर आपके उल्टे हाथ में केबल है, मीन्स के डेफिनेटली सीधी सी बात है इस साइड से भी केबल आ रहा है, तो आपने सीधे हाथ में पकड़ा हुआ है और आपने इसको क्लॉक वाइज घुमाना और इसकी नंबरिंग जो है ना ब्लू से स्टार्ट कर लें, तो एंड पे आप देखते जाएंगे कि हमारी नंबरिंग जो है ना वो किस तरीके से। नेक्स्ट आपने जब उल्टे हाथ में केबल पकड़ा है डेफिनेटली इस साइड से भी फाइबर ऑप्टिकल केबल आता हुआ, अगर आपने उसकी नंबरिंग करनी है तो आपने इसी को तरीके से एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है केबल को। मीन्स के सबसे पहले आपके सामने ब्लू होगा, फिर आप उल्टे हाथ को इसी तरीके से घुमाएंगे तो नेक्स्ट हमारे पास ऑरेंज है, फिर ग्रीन है, ब्राउन है, स्लेट है, वाइट है। तो इसमें प्रेपरेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपने ब्लू कलर की ट्यूब का ब्लू कलर का फाइबर ही सप्लाई करना है। यानी आपसे ये मिस्टेक ना हो कि यहाँ से ब्लू ट्यूब हो और वहां से ऑरेंज ट्यूब हो और ब्लू कलर का ये फाइबर हो और दूसरी साइड से ब्लू कलर का फाइबर हो, बेशक वो ट्यूब ऑरेंज है तो उनको आप सप्लाई कर दें, सप्लाई तो हो जाएगा लेकिन कम्युनिकेशन नहीं आपकी होगी, तो जो जिससे रिलेटेड ट्यूब है और जिससे रिलेटेड फाइबर है वो प्रॉपर आपका सप्लाई होना चाहिए, तो देन जो है हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो पॉसिबल होती है। तो स्टूडेंट्स आपके सामने हमने आज केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रेपरेशन का प्रैक्टिकल प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर लिया है। इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन फील हो आप वीडियो जो है वो बार बार रिपीट करें। तो थैंक यू नसीर साहब, ये जो है ना प्रैक्टिकल मुकम्मल करवाने के वजह से आपका शुक्रिया। तो नेक्स्ट हम जो है सप्लाइसिंग की तरफ आएंगे। स्टूडेंट जैसे हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर का फर्स्ट प्रैक्टिकल कर लिया था जिसे हम ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रेपरेशन कहते हैं, तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड प्रैक्टिकल ऑप्टिकल फाइबर केबल सप्लाइसिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल। किसी भी कंपनी में जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपसे यही पूछेंगे कि आप सप्लाइसिंग करती है या क्या आप प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग करती है ऑलरेडी आप, तो आज हम वही प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं जो कि सप्लाइसिंग कहलाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल सप्लाइसिंग में मैंने आपको जैसे बता चुका हूँ कि जो सप्लाइसिंग मशीन हम यूज़ करते हैं वो फ्यूजीकोरा 60S के वाले से, इसी तरीके से हम लोग एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम लोग स्ट्रिपर बोलते हैं, जो कि फाइबर की जैकेट को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से एक डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं जिसको हम लोग क्लीवर बोलेंगे, जो कि फाइबर का एज 90 डिग्री के एंगल पर काटने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन को स्टार्ट करना है तो ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है, आप इस पर बटन को प्रेस करेंगे तो ये मशीन जो है वो हमारी ऑन हो गई है। कुछ टाइम लगता है इसको प्रॉपरली तरीके से जो है वो ऑन होने के हवाले से। जब ये मशीन आपको बिल्कुल रेडी कहेगी तो इसका मतलब ये सप्लाई करने के वाले से बिल्कुल परफेक्ट और रेडी है। ये देखिए रेडी अब लिखा हुआ आ गया इस मशीन के ऊपर, इसका मतलब ये है कि अब ये इस पर हम सप्लाइज जो है वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा जो स्टेप है, इस फाइबर के ऊपर मॉइस्चर रेजिस्टेंस जेली लगी होती है जैसे कि हमने आपको पहले बताया भी था, इसके लिए आपने एक टिश्यू यूज़ करना है, अल्कोहल टिश्यू स्वैब है, और इसका ये ख्याल रखना है कि आपने टिश्यू को यानी डायरेक्टली जो है ना वो उसको टच नहीं करना, क्योंकि हाथ जितने भी साफ़ हों इसमें किसी ना किसी सूरत में डस्ट आ जाती है, उसकी वजह से केबल का जो लॉस है फाइबर का लॉस है वो बढ़ सकता है। तो आपको आप इसको फाइबर को इस तरीके से मॉइस्चर रेजिस्टेंस जेली जो है वो आप इसको प्रॉपरली साफ़ करें, आपको एक प्रॉपर तरीके से साउंड आवाज़ आएगी कि भाई क्लीनिंग जो है ना वो इसकी हो गई है। इसके बाद हमारे पास ये डिवाइस है जिसको हम लोग स्ट्रिपर बोलते हैं, स्ट्रिपर इज़ यूज्ड टू रिमूव फाइबर जैकेट, तो हमने इसकी एक स्केलिंग की हुई है हाफ स्केलिंग, तो इसके थ्रू हमने ये स्ट्रिप कर दिया फाइबर को। इसमें आप देखेंगे हमारी 250 जो है वो जो जैकेट का या कोटिंग का साइज था वो हमारा रिमूव हो गया। नेक्स्ट आपने अगेन जो है वो फाइबर को साफ करना है, लेकिन इसको अब क्लीन करने के लिए वो टिश्यू नहीं यूज़ करेंगे, मीन्स के हर बार जब आपने फाइबर को साफ करना है आपने नया टिश्यू जो है वो यूज़ करना है, अल्कोहल टिश्यू स्वैब जो है। अब मैंने ये नया अल्कोहल टिश्यू स्वैब लिया है,
इसको आप इस तरीके से क्लीन करें, बकायदा आपको प्रॉपर एक साउंड सुनाई देगी। ये हमारे पास डिवाइस है जिसको हम लोग क्लीवर बोलते हैं। तो क्लीवर मैंने आपको जैसे बताया था, क्लीवर इज़ यूज टू कट फाइबर एज 90 डिग्री। तो हमने जो है ये क्लीवर से इसको फाइबर को क्लीव करने के हवाले से इसमें रखना है। ये हम रख रहे हैं फाइबर इसमें, ये इसका हमने ग्रिपर बंद किया और इसको आप बंद करके इसको रिवर्स कर दें ब्लेड को। तो ये हमारा फाइबर जो है ये 90 डिग्री के एंगल पे कट गया। इसके बाद आपने फाइबर को पकड़ना जो है वो आपने इस तरीके से पकड़ना है ताकि हम मशीन के अंदर जो है वो उसको प्रॉपरली रख सकें। इस मशीन में 2 इलेक्ट्रोड्स अवेलेबल हैं। फाइबर हमने, मैंने आपको थ्योरेटिकली में बताया हुआ कि माइनर सा हमने इसको पीछे रखना है इन 2 इलेक्ट्रोड से। ये हमने इसकी सेटिंग कर ली, एक फाइबर हमने प्रॉपरली कर ली है। अब हम दूसरा फाइबर लेते हैं इसको करने के हवाले से। वही मेथड के हमने जो है वो इसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हमने मॉइस्चर जली है इसके ऊपर, वो हमने वो हिस्सा साफ करना है इसका। नेक्स्ट हमने ये स्ट्रिपर के थ्रू इसकी फाइबर की जैकेट को रिमूव किया और देन जो है वो हमने दूसरे टिश्यू से इसको क्लीन किया प्रॉपरली। फिर देन हमने इसको 90 डिग्री के एंगल पर काटने के लिए ये क्लीवर में रखा। ये 90 डिग्री के एंगल पे हमारा फाइबर प्रॉपरली कट गया। मैंने आपको बताया था कि हमने पकड़ना इस तरीके से है, बाज़ जो स्टूडेंट हैं वो इस तरीके से फाइबर को पकड़ते हैं लेकिन वो डिफ़िकल्टी होती है रखने में। तो फौरी जो है ना हमने इसको इस तरीके से पकड़ कर और ये फाइबर जो है वो हमने इलेक्ट्रोड से बिल्कुल करीब जो है वो हमने रख दिया। अब ये मशीन ऑटो पे है, जैसे हम इसको बंद करेंगे इसमें आप देखें कि इसमें आपका ये कोर और क्लैडिंग जो है वो क्लियर है दोनों साइडों पे, और ये ग्रीन जो है ना वो यहाँ पे आपके पास शो है 0.4। ये हमारा प्रॉपरली फाइबर सप्लाई हो गया, इसको ख़ास किस्म की आर्क मिली। अब ये एस्टिमेटेड लॉस हमें देगा फाइबर ऑप्टिकल 0.01 dB है। अब देखें, जैसे आपको बताया था कि 0.01 dB, 0.02 dB, 0.03, 0.04 और 0.05 ये हमारे एक्सेप्टेबल, यानी ये एक्सेप्टेबल लॉस है। अगर लॉस जो है वो 0.06 dB या 0.07 dB आता है तो इसका मतलब ये है कि वो आप दोबारा से फाइबर को ब्रेक करेंगे और उसको रीसप्लाई करेंगे। तो ये आपके सामने लॉस है वो आ गया जो हमें रिक्वायर्ड है। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम 96 के 96 फाइबर या 72 के 72 फाइबर जो केबल में अवेलेबल हैं उनको हम लोग प्रॉपरली जो है वो रीसप्लाई उसको करते जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है इसमें, इसको आप रीसेट कर दें मशीन को। ये हमने ये रेडी कहेंगे, इसके बाद हम इसमें से इसको निकालेंगे, फाइबर को हम लोग निकाल लेते हैं। ये आप देखेंगे हमारा जो ये फाइबर जो है ये प्रॉपरली सप्लाई हो गया, ठीक है। और ये इतना मजबूत सप्लाई होता है कि वो ये 1 kg का जो वेट है ये बिल्कुल उसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट अगर आप खींचते हैं तो इसको उठा सकता है। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे जो है हमारा मेन प्रैक्टिकल है ऑप्टिकल फाइबर केबल ज्वाइंटिंग के हवाले से। जैसे कि पीछे प्रैक्टिकल्स में हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रेपरेशन भी कर ली है, सेकेंड नंबर पर हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल सप्लाइसिंग भी कर ली है, तो आज हमारा थर्ड प्रैक्टिकल है ऑप्टिकल फाइबर केबल ज्वाइंटिंग। तो मैंने आपको अपने इनिशियल प्रैक्टिकल में, यानी इनिशियल डिस्कशन में आप लोगों को जैसे बताया था कि हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो हमने जो कटिंग करनी है उसकी, वो हमने 2 मीटर रखना होता है उसका साइज, यानी हमने 2 मीटर से उसकी कटिंग जो है ना वो की है। तो पिछली बार हमने ना ये हमने केबल प्रिपेयर किया था, इसमें आप देख लेंगे हमारे पास जो है ना ये 2 मीटर जो है वो फाइबर अवेलेबल है, ठीक है। तो 2 मीटर में सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें किसी भी सूरत ना फाइबर जो है, एक फाइबर भी हमारा इस साइड से ब्रेक ना हो। यानी फर्ज करें कि हमारा फाइबर जो है वो इस साइड से ब्रेक हो जाता है या इस साइड से ब्रेक हो जाता है तो वो हम कर लेते हैं मैनेज, मींस कि हम पूरा कर लेते हैं फाइबर को। लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स में एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा जरूरी ख्याल ये रखना है कि फाइबर किसी भी सूरत जो है वो यहाँ से ब्रेक ना हो। तो इसमें ज्वाइंटिंग में जो हम लोग बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा ज्वाइंट बॉक्स है, इसको हम लोग यूनिवर्सल क्लियर नंबर कहते हैं, यानी UCN जो और दूसरी कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे PTCL जो बहुत बड़ा इदारा है और टेलीकम्युनिकेशन के दूसरे इदारे भी जो
ज्वाइंटिंग के वाले से जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ज्वाइंट बॉक्स होता है। इसमें हमने ये ज्वाइंटिंग बॉक्स में ये हमें फिटिंग के लिए ये एक अवेलेबल होती है, ये जो चीज़ है जिसमें हमने केबल लगाई हुई है, ये हमारा हाउसिंग ट्रे है जिसमें हमने फाइबर जो है वो रोल करके रखने होते हैं। ओके, रोल करके फाइबर रखने होते हैं। इसमें हमारे पास ये जो जगह है, ये जगह जो है ये ग्रिप करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी हमने सेंट्रल मेम्ब्रेन स्ट्रेंथ जो है वो इसमें प्रॉपर तरीके से ग्रिप करनी होती है। ये आप देखेंगे हमने इसमें सेंट्रल मेम्ब्रेन स्ट्रेंथ जो है वो इस जगह पर ग्रिप करके, और ये जो बोल्ट है, ये जो ऊपर हमने बोल्ट इसको टाइट किया हुआ है, इसको प्लास से प्रॉपरली आप जो है वो इस तरीके से इसको टाइट कर सकते हैं। जैसे ये बोर्ड आप देख रहे हैं, हमने ये सेंट्रल मेम्ब्रेन स्ट्रेंथ को ग्रिप करने के लिए ये इस बोल्ट को प्रॉपरली टाइट कर दिया। जो हमारा ज्वाइंटिंग में नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हमने ये हमने यूज करनी होती है केबल टाई का, हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। ये हमारे पास जो है ये केबल टाइज अवेलेबल होती है। केबल टाई हम बेसिकली ना यहाँ पे ये ग्रिप करने के लिए यूज करते हैं। ग्रिप करने के वाले से ये है कि जिस तरीके से आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास केबल टाई है, हमने ये केबल को ग्रिप करने के लिए इसको इस जगह पे केबल टाई से लॉक कर देना, यानी ग्रिप कर देना। केबल टाई को आपने ग्रिप किया, यानी एक साइड से हमने जो मेन चीज जो ग्रिप हुई है वो इसमें सेंट्रल मेम्ब्रेन स्ट्रेंथ है वो हमने ग्रिप कर दी है, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली बताया भी है। सेकंड नंबर पे हमने केबल टाई को यहाँ पे ग्रिप कर देना, मींस कि हमारा जो केबल है ये इस साइड से प्रॉपरली आप देखेंगे ग्रिप हो गया, यानी ये यहाँ से निकल नहीं सकता। एक तो इससे सेंट्रल मेम्ब्रेन स्ट्रेंथ वाली साइड से ग्रिप हो गया, सेकंड नंबर पे हमारा जो केबल है ये केबल टाई से इस जगह पे ग्रिप हो गया, थर्ड नंबर पे जो है हमने यहाँ पे केबल टाई लगाई है, यानी यहाँ पे हमने केबल टाई लगाकर और लूज ट्यूब्स जो है वो हमने इस यहाँ तक रखनी है। मींस के लूज ट्यूब जो है वो अगर हम छोटी काटेंगे तो यहाँ से ऊपर उठ जाएंगी, फिर वो फाइबर टूटने का बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें खतरा होता है। तो हमने लूज ट्यूब इतने साइज की काटनी है कि ये इस ये जो ग्रिप वाली जगह है, मींस के ये जो हमारी हाउसिंग ट्रे है, ये जो हाउसिंग ट्रे है इसमें ये यहाँ तक आ जाए। ओके, तो हमारे बाकी के जो 2 मीटर के फाइबर है वो हमने बारी बारी जो है ना वो इसमें इस ट्रे में हमने रोल करके रखने शुरू कर देने, यानी हमने प्रॉपर तरीके से इसको इस तरीके से रोल करना है। और रोल करने में सबसे मेन जो पॉइंट है ना वो ये है कि फाइबर किसी भी सूरत डैमेज ना हो, कोशिश हमने ये करनी है। आप ये देखें कि इतना थिक केबल है, इसमें आउटर शीट है, इनर शीट है, सेंट्रल मेम्ब्रेन स्ट्रेंथ है, लूज ट्यूब्स हैं, नाइलॉन थ्रेड है, इवन के मॉइस्चर रेजिस्टेंस जेल, ये सब की सब चीज़ें सिर्फ किस काम के लिए, हमारा जो फाइबर है ये सेफ है। तो इसमें इस वाले से इसका ख्याल रखना है। तो हमने ये जो एक्स्ट्रा केबल होगी जो 2 मीटर है उसको हमने प्रॉपरली इसमें रोल करके रखते जाना है। ये आप देख लें, इसमें हम प्रॉपरली जो 2 मीटर फाइबर है हमारा, इसको हम प्रॉपरली रोल करते जा रहे हैं हाउसिंग ट्रे के अंदर। और इस ट्रे में जो कैपेसिटी है वो हमारे पास ये 16 फाइबर्स की कैपेसिटी है, और जिस फाइबर पे मैं काम कर रहा हूँ इसमें 12 फाइबर्स हैं, तो 12 के 12 फाइबर मेरे एक ही ट्रे में एडजस्ट हो गए। फर्ज करें कि अगर ट्रे में 12 फाइबर की कैपेसिटी है और एक ट्यूब में 12 फाइबर है, तो एक ही ट्यूब जो है वो एक ही ट्रे में आएगी। इसके बाद नेक्स्ट आप दूसरी ट्यूब इसके ऊपर ट्रे इसके ऊपर रखेंगे तो वो नेक्स्ट इसके ऊपर ट्रे वो दूसरी ट्यूब उस पर आ जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट, यानी इस तरीके से एक एक ट्यूब जो है, अगर उसमें एक ट्यूब में 12 फाइबर है तो वो स्टेप बाय स्टेप ट्यूब्स जो है ना वो इसमें आती जाएंगी। तो एक साइड आप देखेंगे मैंने एक केबल की एक साइड जो है वो इसमें प्रॉपर रोल करके रख दी है। सेकेंड नंबर पर हम मेरे दूसरी साइड है, इसमें आप सेम देख लें कि हमने केबल को ये ग्रिप किया हुआ है, उसी तरीके से केबल को ग्रिप किया है और ये सेंट्रल मेम्ब्रेन स्ट्रेंथ को हमने प्रॉपरली ग्रिप किया है। इसमें सुराख होता है, इसमें हमने होल होता है, इसमें इस तरीके से एंटर करके, तो नेक्स्ट हमने ये ट्रे में ये केबल टाई लगाकर इसको हमने प्रॉपरली ग्रिप कर लिया। नेक्स्ट इसके जो फाइबर्स हैं तो आपने यहाँ पे इनको भी इसी तरीके से रोल करके आपने इसमें रखते जाना। और ये जो हमारा ज्वाइंट बॉक्स होता है ये बेसिकली एयर टाइट होता है, इसका मतलब ये होता है कि ना इसमें किसी किस्म की हवा का दखल होता है ना नमी जा सकती है। और इसकी जो एज है, अगर केबल को कुछ ना हो, यानी खुदाई वगैरह यानी मिस है कोई ना हो, तो ये केबल एज इट इज़ जो है 50 to 60 years जो है ना, ये जो है 60 more than 60 years आप लगा लें ये निकाल लेती है, इतनी इसकी एज होती है फाइबर ऑप्टिक केबल के हवाले से।
इसको आप प्रॉपरली कर लें। नेक्स्ट जो है इसको आप उठाकर तो इस जॉइंट में हम इसको फिक्स कर देंगे। ये आप देख लें इसको ना हमने इस जॉइंट में ये प्रॉपरली हमने इसको इस जॉइंट में फिक्स कर दिया। नेक्स्ट आप ये देखें कि ये हमारे पास ना हीट, ये जैसे मैंने आपको स्प्लाइसिंग में भी पहले बताया था, ये हमारे पास हीट स्लीव्स होती हैं। तो अब जितने भी फाइबर्स हैं, जैसे अब ये हमारे पास 12 फाइबर है, तो हमने 12 की 12 हीट स्लीव जो है, यानी हमने जो फाइबर जैसे ब्लू कलर का फर्स्ट फाइबर है उसको हमने मशीन पे स्प्लाइस किया, मैंने आपको स्प्लाइसिंग भी दिखा दी है। बारी बारी हमने तमाम फाइबर्स पूरे प्रॉपर नंबर से, यानी एक फाइबर भी अगर हमारा रॉन्ग स्प्लाइस हो जाता है तो हमारी जो कम्युनिकेशन है दैट्स इम्पॉसिबल कि वो पॉसिबल हो, यानी हो सके। तो इसमें ऐसा है कि ऑप्टिकल फाइबर में, ये फाइबर में हमने हर जो ट्यूब है उसमें प्रॉपरली तरीके से हमने फाइबर एंटर करना है। जैसे कि सिंपली मैं आपको बताता हूँ, हमने स्प्लाइसिंग करनी है, ये हमारे पास अल्कोहल टिश्यू स्वैब है, इसको हम लोग एक साइड से कटिंग, मैंने आपको जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया था कि टिश्यू को भी हम लोग हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि ये सक करता है, जज्ब करता है, इसमें हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है कि किसी भी सूरज जो है वो ये जो है वो टच ना करे हमारे फिंगर जो है ना इसको, ताकि ये हमें इशू ना आए इस चीज़ का कि ये जो है। तो अब हमने इसको जैसे सिंपली हमने इसको क्लीन किया टिश्यू को, ये आप देखें, मैं अब सिंपली एक फाइबर ले लेता हूँ, यहाँ मैंने ट्रे में से एक फाइबर निकाला है और इसको मैं इस फाइबर को प्रॉपरली ये क्लीन किया, बकायदा में क्लीनिंग के वाले से साउंड आएगी। और क्लीनिंग में ऐसा है कि जब हम इसको सारा भी फाइबर, बहुत सारे और फील्ड के इंजीनियर्स जो हैं वो पूरा जो केबल है इसमें से मॉइस्चर रेजिस्टेंट जेली को रिमूव कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि उस हिस्से में से मॉइस्चर रेजिस्टेंट जेली को रिमूव किया जाए जितना हिस्सा हमने सप्लाइज करना है। अगर हम सारे में से मॉइस्चर रेजिस्टेंट जेली रिमूव कर देते हैं और ज्वाइंट के अंदर किसी भी तरीके से अगर वो आ जाती है, यानी ज्वाइंट के अंदर किसी भी तरीके से अगर मॉइस्चर या नमी वगैरह चली जाती है, तो ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट जेली जो है वो इसको सपोर्ट करती है कि इसको ख़राब ना करे फाइबर को। तो जस्ट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरीके से फाइबर को ना इसमें एंटर करके इसको रेडी कर देना, या आप यहाँ से इसको प्रॉपरली इसको, यानी जो सप्लाइज फाइबर होगा, अभी तो ये जस्ट आपको ज्वाइंटिंग की एक डिमॉन्स्ट्रेशन बताई जा रही है, तो इसको आपने ना नंबरिंग करके तो हमने इसी तरीके से इसको मैं लगा दिया, यानी ये हमारा फाइबर नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, इसी तरीके से हमने हर ये हीट स्लीव है इस पर नंबरिंग करके बकायदा, तो इसको हमने ना इस तरीके से इसके साथ साथ जो लगाते जाना है। तो ऑप्टिकल फाइबर ज्वाइंटिंग में नेक्स्ट जो प्रोसीजर होगा हमारा, उसमें हमने जिस चीज़ का ख्याल रखना है, देन जो है जो हमने लूज ट्यूब दिए हीट स्लीव्स के बाद जो है ना, इसको हम लोग हीट शीरिंग ट्यूब भी कहते हैं और हीट स्लीव्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हीट स्लीव्स के बाद हमारा मेन जो काम है ना, ये हमारी ना सीलिंग टेप होती है, मींस के ये सीलिंग टेप जो है ये हमारी डबल डबल टेप कहलाती है, इस साइड पे भी ये इसकी इसमें चिपचिपाहट होती है और इस साइड पे भी चिपचिपाहट होती है। तो ये हमने तमाम की तमाम सीलिंग टेप जो है ना ये इसके ऊपर इस तरीके से लगा दी हुई है। इस सीलिंग टेप का फ़ायदा ये होता है कि नमी जो होती है वो किसी भी सूरत जो है ना ज़मीन में, आपको पता है जैसे हर वक्त जो है वो नमी रहती है, तो उसकी वजह से ना ये जो पानी भी अक्सर ऐसा होता है, जैसे कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे सैलाब वगैरह है तो उसमें पानी जो है वो पॉसिबिलिटी होती है कि इसके अंदर चला जाए, लेकिन इस सीलिंग टेप की वजह से ना, जो कि डबल साइडेड है, इस सीलिंग टेप की वजह से ये जो पानी है किसी भी सूरत इसके अंदर नहीं जा सकता। तो हम लोग फाइबर ऑप्टिकल में जब हमने इस तरीके से इसको प्रॉपर कर लिया, सप्लाइसिंग का मेथड आपको पता चल गया, हमने फाइबर बारी बारी फाइबर जो है वो हमने सप्लाइस करने हैं और इस जॉइंट बॉक्स में प्रॉपरली बंद करके, तो ये इसका हमारे पास नेक्स्ट जो है ये इसका कवर आ गया जॉइंट बॉक्स का, यानी जब हम ये देखेंगे हमारे तमाम के तमाम फाइबर जो हैं वो प्रॉपरली सप्लाइस हो गए हैं। सप्लाइस होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें ना नंबरिंग भी करनी है, फर्ज करेंगे 10 साल के बाद या 12 साल के बाद जॉइंट में फॉल्ट आ गया, जॉइंट टूट गया है, यानी फाइबर ब्रेक हो गया, तो जो जॉइंट खोलने वाला पर्सन है उसको ये पता होगा कौन सा फाइबर है और हमने कौन सा फाइबर रीसप्लाइज करना है, तो ये जो सिस्टम है बहुत ज़रूरी है इसको देखना। नेक्स्ट जो है वो हम लोग ये इस जॉइंट बॉक्स को जो है वो इसको प्रॉपरली बंद कर देंगे, ये हमने इसको बंद कर दिया, इसको आप प्रेस भी अच्छी तरह कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, जो जब ये बोल्ड लगेंगे इसके ऊपर तो ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद मजीद प्रेस हो जाएगा। तो फाइबर ऑप्टिकल में जब ये इस तरीके से जॉइंट बॉक्स प्रॉपर बैठ जाएगा आपका, तो उसमें नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हमारा होगा इसका
होल्ड के वाले से, यानी हमने जो है वो इसका ये रखने के वाले से नेक्स्ट जो है ये हमारे पास बोल्ड है, ये बोल्ड हमने एल की से लगा देने, यानी ये हमने बोल्ड को इस तरीके से इसको आप एल की से कर लें या प्लास से जो है ना इसको आप जो है वो इसी कंप्लीट जॉइंट को बंद कर लें। और 7 फुट का जो मेन होल होता है ये हमने जॉइंट बॉक्स जो होता है वो हमने इसमें बंद कर देना होता है, यानी रख देना होता है, उसके बाद ये एयर टाइट यानी इस तरीके से प्रॉपरली बंद हो गया, तो ये जो है ना ये हमारा सेफ हो गया जॉइंट 24 फाइबर्स का, 36 का, 48 का, 72 का या 96 फाइबर का, और बहुत हो तो 200 फाइबर का जो है ना उसमें स्टेप बाय स्टेप आप ट्रे बनाते हैं, अब ये हमारा जॉइंट जो होगा ना इस तरीके से इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। मेन कर ली है उसमें सबसे फर्स्ट प्रैक्टिकल था ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रेपरेशन, सेकंड प्रैक्टिकल इज ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसिंग, थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल ऑप्टिकल फाइबर जॉइंटिंग। अब ये है कि जॉइंटिंग के बाद जो हमारा सिस्टम है नेक्स्ट, जब हम केबल जो है वो यानी रीजनरेटर स्टेशन या हमारा जो एक्सचेंज के अंदर सिस्टम आ जाता है, यानी केबल जो है डेफिनेटली हमने लिंकअप भी तो करना है सिस्टम के साथ, मीन्स के फाइबर में हमने जो ट्रांसमिशन चलानी है उस ट्रांसमिशन को चलाने के लिए हम लोग कभी भी ये जो हमारा डायरेक्ट फाइबर है यानी डायरेक्ट फाइबर हम लोग सिस्टम के साथ नहीं लगा सकते, तो उसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ हमें एक और चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ती है, उसको हम लोग ODF कहते हैं, मीन्स के ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। तो ODF जो है वो दो किस्म के इस्तेमाल होते हैं, एक तो वॉल माउंटेड ODF है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और दूसरा जो है वो पैच पैनल ODF होता है, और जो वॉल माउंटेड ODF है उसमें हम लोग जो कनेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं ये मैंने आपको कनेक्टर्स बता दें, ये हमारे SC कनेक्टर्स हैं सिंगल मोड फाइबर, और इसका जो है इसमें ये जो इसको हम लोग पिगटेल्स बोलते हैं, पिगटेल से मुराद ऐसा है कि ऐसे कनेक्टर्स जिसकी एक साइड पे कनेक्टर हो और उसकी जो दूसरी साइड है आप ये चेक कर लें, उसकी जो दूसरी साइड होती है वो फ्री हो, यानी वो उसकी यानी उसकी दूसरी साइड पे यानी कनेक्टर अवेलेबल ना हो, जैसे कि आप ये देख लें इसकी जो दूसरी साइड है हमारी ये खाली है, यानी उनकी साइड दूसरी साइड पे कनेक्टर अवेलेबल नहीं है, तो ये हमारी पिगटेल्स कहलाती हैं, यानी सच टाइप ऑफ कनेक्टर्स हैविंग कनेक्टर ऑन सिंगल साइड, यानी उसकी जो एक साइड पे कनेक्टर है और एक साइड खाली है ये हमारी जो है वो पिगटेल्स कहलाती हैं। सेकंड नंबर पे हमारी जो कनेक्टिविटी होती है सिस्टम के साथ, ये तो हमारी स्टूडेंट्स आप देखें फील्ड के साथ कनेक्टिविटी है, तो जो सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी होती है वो हमारी पैच कॉर्ड से होती है, तो पैच कॉर्ड ये भी हमारे SC कनेक्टर हैं, और जो पैच कॉर्ड होती है सच टाइप ऑफ कनेक्टर हैविंग कनेक्टर्स ऑन बोथ साइड, सच टाइप ऑफ केबल हैविंग कनेक्टर ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड पैच कॉर्ड, यानी जिसकी दोनों साइड्स पे जो है वो कनेक्टर्स अवेलेबल है वो हमारी पैच कॉर्ड होती है, तो ये हमारे साथ पैच कॉर्ड है, पैच कॉर्ड हम इसकी दूसरी साइड पे इस्तेमाल करेंगे जो कि सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होगी। सो अभी हम लोग जो वर्किंग कर रहे हैं वो हमारी फील्ड के वाले से है, तो फील्ड में हमने केबल किस तरीके से अटैच करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ना ये केबल के वाले से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें हमने जो देखनी है चीज़ वो ये है कि ये हमारा फील्ड का केबल आ रहा है, फील्ड के केबल के लिए आपके सामने ये प्रॉपर प्लेस अवेलेबल है जहाँ से केबल जो है वो एंटर होता है, और यहाँ से हमने केबल की जो है वो ग्रिप करनी होती है, ये जो इसकी सेंट्रल मेम्बरिंग स्ट्रेंथ है जो कि हमने आपके सामने पहले भी ज्वाइंट बॉक्स में हमने की थी, तो ये हमने ग्रिप की, ग्रिप करने के बाद जो है वो हमने इसमें जो फाइबर होता है वो हमने प्रॉपरली फाइबर को हमने प्रॉपरली रोल अप करना है, मीन्स के ये ट्रे के अंदर जो है हमने ये फाइबर को जो है वो इस तरीके से रोल करना है। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि हमने 2 मीटर जो है वो फाइबर को काटना है, इसलिए 2 मीटर काटना है केबल को, यानी प्रीपेयर करना है कि जब हम बाज़ ना सप्लाई लॉस बहुत ज़्यादा होता है तो हमें फाइबर को तोड़ कर दोबारा से रीसप्लाइज करना पड़ता है, तो उस सूरत में हमें जो है वो ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा फाइबर की, तो वो एक्स्ट्रा फाइबर हम फिर कहाँ से पूरा करेंगे, वो एक्स्ट्रा फाइबर फिर हम इसी तरीके यहीं से ही पूरा करेंगे, यानी मज़ीद यहाँ से फाइबर लेके तो अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करेंगे। तो इस ट्रे में आपने फाइबर इस तरीके से रोल करना है, सबसे इसमें जो ज़रूरी चीज़ है जैसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि फाइबर किसी भी सूरत इस साइड से ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर हमारा फाइबर ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारा 2 मीटर का पीस हमें दोबारा से प्रीपेयर करने पड़ेगा, मीन्स कि यहाँ से फाइबर अगर हमारा टूट जाता है यहाँ पे कटिंग नहीं होनी चाहिए फाइबर की, मीन्स के फाइबर का ये जो है वो ब्रेक ना हो, इसका एहतियात से इसको हम प्रॉपरली रोल करते जा रहे हैं
फाइबर को इस तरीके से। और इसमें जो है वो बार बार इंजीनियर्स जो हैं वो ये सारी फाइबर पे ना जेली जो होती है ना वो ख़त्म कर देते हैं उसको प्रॉपर क्लीन करके। लेकिन मेरे मुझे भी 12 साल तकरीबन हो गए फाइबर का काम करते हुए, मैंने जो फील किया फाइबर की सप्लाइसिंग यानी इसकी जो प्रेपरेशन सप्लाइसिंग के वाले से कि इस पर ना जेली ना क्लीन किया है तो बेहतर है। अगर मॉइस्चर आ भी जाता है तो वो जो मॉइस्चर जैसे जेली होती है वो उसको कवर कर लेती है, फाइबर की एज जो है वो बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट इसमें जब आप इसी के लिए फाइबर को रोल कर लेंगे तो वही हमारा मेथड है जो हमने अडॉप्ट करना है, हमने बारी बारी सारे के सारे फाइबर जो है वो प्रॉपरली उसको सप्लाइज करते जाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें मेन जो चीज़ है जिसका ख्याल रखना है हमने वो ये है कि हमने वही फाइबर सप्लाइज करना है जो जिस नंबर का है। इससे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये अब ये इतना प्रॉपर तरीक कंप्लीट करने के बाद हम लोग ना ये इसको लेते हैं पैच कॉर्ड्स को, ये पिकटेल्स को। तो पिकटेल्स में हमने जो है वो आपके सामने ये हमारे पास 1 2 3 4 पिकटेल्स हैं, तो ये 4 की 4 पिकटेल्स जो है वो हमने अटैच करनी है। अब ये जो ये 5 पिकटेल्स हैं हमने ये प्रॉपरली अटैच करनी है अब इसके साथ। तो इसमें हमने ना जैसे हम केबल का आप देखें केबल को हमने 2 मीटर उसको प्रीपेयर किया, इसी तरीके से पिकटेल्स जो हैं वो भी हमें 2 मीटर में अवेलेबल होती हैं, यानी मोर देन 2 मीटर्स आप लगा लें, 2 मीटर से ज़्यादा आप लगा लें, यानी आप इसकी आम जो सेटिंग देखें ना वो 2 मीटर बनती है तकरीबन, यानी आपने 2 मीटर जो होती है ना इसकी आपने सेटिंग इसको रखनी है। इसको बड़ी एहतियात के साथ इसको आपने खोलना, ये हम खोल रहे हैं इसको। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि एक जो हम मूवी बना रहे हैं बिल्कुल फ्रेंडली एनवायरनमेंट में, हमने वो वैसी सेटिंग बिल्कुल नहीं रखी जो एक रखी जाती है हर चीज़ को, लेकिन हमने ये शो ऐसे इसमें किया हुआ कि आप एक आम कंडीशन में ना हम लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद हमने ना इसको इस तरीके से रोल करना है, ये आप ये देखें ये हमने यहाँ से इस तरीके से ये हम प्रॉपरली रोल कर रहे हैं। जैसे हमने फाइबर को हाउसिंग ट्रे पे जिसमें हमने रोल किया वो इसकी हाउसिंग ट्रे थी उसको हमने ना उसमें हमने रोल किया इसको, तो आप इसमें इसको प्रॉपरली रोल करते जाएं। ODF मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट किस्म के अवेलेबल हैं, लेकिन हमने फोकस करना है ये PTCL के हवाले से कि PTCL का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या सिस्टम है उसमें किस किस्म के ODF जो है ना वो आमतौर पर यूज होते जा रहे हैं। इसके बाद जो है हमने नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है तो हमने ये जो कनेक्टर्स हैं ओके, तो हमने इनके ये पॉइंट्स जो हमने रिमूव किए हैं, जैसे ये मैंने अभी इसमें पॉइंट रिमूव किया और वो हमने कनेक्टर जो है वो इसमें अटैच कर दिया। और जो ये कनेक्टर्स होते हैं ये इसी के इसमें बाहर निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली ना जब हम इसमें अटैच करते हैं तो इसको यानी फिक्स करेंगे तो ये अब ये निकलेगा नहीं, मींस के ये इसमें प्रॉपरली जो है ना ये फिक्स हो गया, लॉक हो गया एक तरह से ना, इसमें ज़्यादा जोर लगाने से निकल भी जाता है लेकिन ये प्रॉपरली आप देखें ये आपको बकायदा साउंड भी आ रही है, ये प्रॉपरली जो कनेक्टर है इसके बाद आप इसको इसमें अटैच कर दें इसके अंदर इसके साथ। इसी तरीके से ये हमने दूसरा लिया यानी आप बारी के बारी तमाम के तमाम कनेक्टर्स जो हैं वो आपने इस तरीके से अटैच कर देने। इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है कि जो पिकटेल्स हैं यानी जिस नंबर की जो है, जैसे मैंने अभी आपके सामने ये कनेक्टर अटैच किया है मैंने इसको, अब नेक्स्ट इसके साथ करना है तो उसमें हमने इसकी सप्लाइसिंग के हवाले से इसमें जिस चीज़ का हमने ख्याल रखना है सप्लाइसिंग के हवाले से वो ये है कि हमने ये लूज ट्यूब कटर हम लोग यूज़ करते हैं। लूज ट्यूब कटर को इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने अब इसकी ना सप्लाइसिंग करनी है जो फील्ड की केबल आ रही है फाइबर की, फील्ड की केबल के साथ। तो उसमें आप देखेंगे इसको हमने लूज ट्यूब कटर को हमने 3 स्टेप्स जो है वो इसको मूव किया, मीन्स कि आप ये इतना ले लें आप और इसको 3 स्टेप्स जो हैं 1 2 एंड 3 इसको हमने मूव किया। नेक्स्ट हमने प्रॉपर तरीके से इसको ये रिमूव कर लिया। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास नायलॉन थ्रेड है यानी पिकटेल्स की जो टेल है ये जो आपको नज़र आ रही है नायलॉन थ्रेड है। नायलॉन थ्रेड इसलिए यूज़ होती है इसमें कि हम इसको बेंड भी करते हैं ना इस तरीके से, तो ये सारी बात ये है कि फाइबर सेफ है ओके। तो ये नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके लिए हम ख़ास किस्म का ये स्ट्रिपर यूज़ करते हैं जो कि इसकी जो जैकेट है इसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट हम इसको इसमें एंटर करते हैं जो कि लेंथ वाइज में आपको तकरीबन ये 50 जो है वो ले लेते हैं हम इसका साइज़। तो ये हमने इसको प्रॉपरली ग्रिप करके तो आपने इसको इस तरीके से खींच लिया। ये जैसे आप देखें इसमें बाय चांस आपके सामने ये फाइबर इसमें ब्रेक हुआ है
तो अब हमने 2 मीटर केबल जैसे कि आपको बताया था लेनी का फायदा हो ही गया हमें, तो इसको हम दोबारा करते हैं इस तरीके से। हमने 1 और 2 और ये 3, ये हमने इसको यहाँ से रिमूव किया प्रॉपरली। नेक्स्ट जो स्टेप है हमने इसको इस तरीके से करके, ये आप इसे ये आप देखेंगे हमने इसको रिमूव कर लिया। यहाँ पे नेक्स्ट जो आएगा ना, जो फाइबर जो होता है वो तो हमारा कलर्ड है, यानी हमें रेड फाइबर भी अवेलेबल है, ऑरेंज फाइबर भी अवेलेबल है, ये ब्लू फाइबर भी अवेलेबल है, लेकिन इसमें कलर स्कीम नहीं होती, इसमें पूरा कंप्लीट ये वाइट है। और इसमें वही स्टेप्स हैं कोर क्लैडिंग और जैकेट, इसके लिए हमने जो है वो नेक्स्ट स्टेप यूज़ किया है स्ट्रिपर। हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिपर इज़ यूज टू रिमूव फाइबर जैकेट, जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया हुआ पहले। तो ये हमने फाइबर की जैकेट रिमूव करने के लिए ये स्ट्रिपर से हमने इसकी फाइबर की जैकेट रिमूव की। अब ये फाइबर जो है ये हम वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे कि इसमें हमने पहले से जिस तरीके से ये है, हमने यहाँ पे हमने हीट स्लीव जो है वो इसमें चढ़ा दिया, फाइबर में हीट स्लीव चढ़ाई है, और हमने प्रॉपरली इसको मशीन सप्लाइसिंग मशीन आपको करवा दी हमने सप्लाइसिंग, उसमें आपने इसको प्रॉपरली सप्लाइस करना है, यानी जो फील्ड का फाइबर आ रहा है उसको सप्लाइस करके आपने इसमें रखा, और इसमें जो हीट स्लीव है इसको आप बकायदा नंबर देंगे इसका, यानी 1 फाइबर नंबर है तो ये भी हमारा 1 ही होगा, मीन्स कि यहाँ पे जो फाइबर अटैच है वो हमारा 1 नंबर होगा, फील्ड का फाइबर 1 नंबर और ये हमने 1 नंबर अटैच कर दिया। नेक्स्ट ये है कि जब हमारा फील्ड का काम कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे इसमें नेक्स्ट जो स्टेप आ जाएगा उस साइड से, ये हमारी पैच कॉर्ड है, पैच कॉर्ड का भी आपके सामने अवेलेबल है, इसमें हम इस तरीके से इसमें अटैच करेंगे, ये हमने केबल को अटैच किया इस तरीके से, और दूसरा जो हमारा ये हिस्सा है ये हमारा सिस्टम के साथ लग जाएगा। और सिस्टम में आपको जैसे कि पता है कम्युनिकेशन में कि फाइबर ऑप्टिक्स में ट्रांसमिटिंग साइड पे हम लोग LED लेजर डायोड इस्तेमाल करते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है ऑप्टिकल में, रिसीविंग साइड पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं फोटो डायोड जो कि हमारा ऑप्टिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में। तो ये हमारे ODF के हवाले से है, मैंने आपको कोशिश किया है कि अच्छे तरीके से इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया जाए, इसमें थ्योरेटिकली भी आपको बताया गया और प्रैक्टिकली भी आपको दिखाया गया। तो ये हम तमाम के तमाम कनेक्टर्स जो हैं ये स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से इसके साथ अटैच करते जाएंगे, और ये हमारा ODF जो है ये इसका काम जो है वो हमारा कंप्लीट होता जाएगा प्रॉपरली। थैंक्स। उसको ना भी करें तो काम चल जाना था। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि ODF जो है वो हमारा वॉल माउंटेड ODF था, जो कि हमारे रीजनरेटर स्टेशंस होते हैं जो कि हर 110 मैक्सिमम जो फासला होता है इसका 110 किलोमीटर होता है, मिनिमम जो है वो 80 किलोमीटर होता है, 70-80 किलोमीटर का मिनिमम लगा लें। तो अब हमने जो ये नेक्स्ट जो है वो ODF हम इस्तेमाल करते हैं जो सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, तो उसमें हम लोग ये 24 पैच कॉर्ड पैनल ODF हमारे पास अवेलेबल है। इसमें आप देखें इसमें ना ये हमारे पास स्लॉट है, इस स्लॉट में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 6 फाइबर जो है ना वो इसमें आ जाते हैं, मीन्स के जो